गुड मॉर्निंग। कल हम कर रहे थे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड से। आप किस दिशा में देख रहे होंगे, मतलब ये आपसे दिशा पूछ रहे हैं किस दिशा में देख रहे होंगे। अगर आप शुरू करते हैं, जिसे पहला लिखा पूरब की ओर देख रहे हैं और घड़े की दिशा में 1/2 घूर्णन करें। पूरब की तरफ देख रहे हैं, पूरब दिशा कौन सी है? ये, ठीक है। तो आप पूरब की तरफ देख रहे हैं और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करें। तो आप ये देखो, जैसे आप यहाँ देख रहे हो इधर, और घड़ी की दिशा में 1/2। 1/2 का मतलब हो गया आधा भाग। तो आधा भाग आप घूर्णन करेंगे तो आधा भाग ये हो गया इसका, यानी कि कौन सी दिशा हो गई है? पश्चिम। कौन सी हो गई है? पश्चिम। तो यही वाला चित्र बन जाएगा आपका, ये हो गई है पश्चिम दिशा। दूसरा, पूरब की ओर ये चित्र इस क्वेश्चन के साथ ही आपको वही वाला चित्र बनाना है। अब देखिए दूसरा, पूरब की ओर देख रहे हैं, पूरब की ओर देख रहे हैं, मिटा लो गया। अगला ये आ गया आपका, पूरब की ओर देख रहे हैं और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन। तो देखो पूरब की तरफ ये रहा, लेकिन 1/2 यानी 1 तो पूरा हो गया, ये 1 पूरा, और 1/2 यानी 1 आधा। तो ये 1 पूरा और वापस 1 आधा, तो ये कहाँ पे आया? 9 पर। और ये इधर दिशा कौन सी है? ये पूरब और इधर पश्चिम। तो वापस से किस दिशा में होगा? पश्चिम दिशा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पश्चिम की ओर देख रहे हैं, चित्र हरेक में बनना चाहिए वो वाला। अब है थर्ड क्वेश्चन के लिए चित्र, तो देख लीजिए। पश्चिम की ओर देख रहे हैं, अब आप इधर हैं, पश्चिम की ओर देख रहे हैं और घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी घड़ी चलती है यू, घड़ी चल रही है यू, लेकिन बोल रहा है विपरीत दिशा में। विपरीत का मतलब चल गया उल्टा चलना हमें ऐसे। तो विपरीत दिशा में 3/4 घूर्णन करें। 3/4 का मतलब हो गया 3 समकोण। तो 3/4 घूर्णन का मतलब हो गया विपरीत दिशा में, ये इसके 4 टुकड़े कर दें। 3/4 का मतलब है 4 टुकड़े, और 4 टुकड़ों में से 3, और यहां से चल रहा है विपरीत दिशा में। तो आप देखो, एक दो तीन कौन सी दिशा चलेगी इसकी? पूरब में, यानी ये हो गया 1 2 3। कौन सी दिशा हो गई? पूरब दिशा। कौन सी हो गई ये? 3/4 यानी 3 भाग, पूरब दिशा। अगला क्वेश्चन है इसका चित्र के लिए, दक्षिण भाग की ओर देख रहे हैं और घूर्णन करें, एक घूर्णन करें। जब आप दक्षिण की तरफ देख रहे हो और एक घूर्णन करोगे, तो ये बोल रहा है घड़ी की दिशा में या विपरीत दिशा में कोई फर्क पड़ता है क्या? तो आपको पता है एक घूर्णन में आप चाहे इधर से चलो या चाहे इधर से चलो, दोनों ही स्थिति में आप कहाँ देख रहे होंगे? दक्षिण की तरफ ही देख रहे होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? दक्षिण। और दिशा का फर्क नहीं आएगा। क्या आएगा? दिशा, यानी भाई आप दिशा का मतलब ये है कि विपरीत या घड़ी की विपरीत या उसी दिशा का फर्क नहीं है, उसी दिशा का फर्क नहीं है। ये आपको मैं जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, वही लिखना है। यानी कि न तो इससे ये फर्क पड़ता है कि आपको घड़ी की विपरीत दिशा बताई जाए, ना ही ये फर्क पड़ता है कि घड़ी की दिशा में हो, क्योंकि एक घूर्णन का मतलब है जो जहां है वही रहेगा। थैंक यू।